हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल टेक्निकल शो टाइम। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा तो इसमें मैंने बताया था एक लेपर माइक के बारे में, उसका रिव्यू किया था मैंने। बहुत ही कम प्राइस का वो माइक था, 185 रुपीज का था, और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये वो माइक है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का बना हुआ है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि इसकी जो वायर थी बहुत छोटी थी, लगभग 1 मीटर से भी कम उसकी वायर थी। तो मैंने इसको बढ़ा के इसकी वायर को यहाँ से करके इंक्रीज कर लिया है, और ये करीब 2.5 मीटर की वायर हो चुकी है, और अब मुझे यूज करने में इसे बहुत ही आसानी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसा माइक खरीदते हैं और उसकी वायर छोटी है तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं घर पे। उसके दो तरीके हैं, या तो आप इसकी एक्सटेंशन वायर खरीद लिए इस तरीके की, ये भी करीब 200 रुपीज के आसपास की ये वायर मिलती है, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसे आप घर पे ही आसानी से बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी पुराना माउस पड़ा हुआ है, या यूएसबी कीबोर्ड पड़ा हुआ है, या कोई पुराना हेडफोन पड़ा हुआ है जो खराब हो चुका है, तो उसकी वायर को आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि घर पर ही आप इसकी वायर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास आप ही देखिए बहुत ही छोटी सी इसकी लेपर माइक की वायर थी, करीब 1 मीटर की। तो मुझे इस वायर को इसकी एक्सटेंड करना है, इसको बढ़ाना है, तो मैंने इसको माइक की वायर को यहाँ से कट कर लिया, और मैंने थोड़ा सा ही ब्लेड से काट कर ये थोड़े से इनके जो तार थे वो मैंने ये बाहर निकाल लिए। इसमें दो ये तारें ग्रीन है इसमें, और एक गोल्ड कलर का है, ठीक है। तो आप इसके लिए कोई भी हेडफोन, कोई भी आपके पास में पुराना हेडफोन हो, उसकी आप वायर निकाल लीजिए। उसमें ये आपको इसमें करीब ये 4 तार होती हैं जो हेडफोन की वायर होती है, तो इसमें से कोई से भी 2 यूज़ कर सकते हैं आप। 2 को कट, कोई से भी 2 उसमें यूज़ कर लीजिए, कोई 2 बाकी जो बचे हैं वो कट कर दीजिए। और अगर आपके पास में कोई पुराना हेडफोन की वायर नहीं, तो कोई माउस पड़ा हो, या यूएसबी कोई केबल पड़ी हो, या यूएसबी का जो कीबोर्ड होता है वो पड़ा हो, वो भी आप वायर यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी 2-4 तार हैं, तो इसमें से भी कोई से भी 2 तार आप कोई से भी 2 इसमें से ले लीजिए, वो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी माउस की और कीबोर्ड की जो वायर होती है हार्ड होती है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने एक हेडफोन से वायर निकाली है, तो मैं इस वायर को यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, ये जो तार है इस पर एक्चुअली एक कोटिंग चढ़ी हुई होती है, जिससे कि तार आपस में अगर मैच मिल रहे होते हैं तो इसमें आपस में जो करंट है इसका वो एक दूसरे से मैच ना करे, तो इस वजह से इसके ऊपर एक कोटिंग होती है। तो उस कोटिंग को हटाने के लिए हमें एक आप या तो माचिस जलाकर उसकी आग, हल्की हल्की आग से भी इसकी कोटिंग को जला सकते हैं, या फिर माचिस नहीं है तो आप ब्लेड से भी थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐसे करके घिस सकते हैं, तो इसकी जो कोटिंग है वो हट जाएगी। चारों तरफ से आप इसकी जो कोटिंग को है वो हटा लीजिए, ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो वायर है इसकी कट ना जाए यहाँ से, ये हल्के हल्के पतले पतले तार होते हैं इसमें। तो चलिए, इसकी मैंने कोटिंग हटा ली है, मैं इसकी कोटिंग को हटा देता हूँ। अब माचिस की तीली से अगर इसको जलाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके जो तार होते हैं इसके बीच में एक फाइबर की भी हल्की सी परत होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ी हार्ड बनी रहे ताकि टूटे ना, तो उसको भी हमें जलाना होता है। और अभी जो ये वायर है जो मुझे इसमें ऐड करनी है, उसमें भी मैं कोई से भी 2 तार इसके यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसमें ये ले रहा हूँ, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का। इसकी जो फाइबर है उसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप इसकी जगह माचिस की तीली का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आप जला सकते हैं इसकी जो फाइबर होती है। उसी तरीके से दूसरे मुझे जो मैंने यहाँ पर वायर ली है वही मुझे लेनी है, तो इसमें से एक मैंने ब्लू ली थी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, 4 तार वाली अगर आप ये वायर ले रहे हैं तो दोनों जो सेम तार हैं इस में, इधर और इधर भी दोनों सेम तार ही आपको इसमें से सिलेक्ट करने हैं, नहीं तो फिर ये वर्क नहीं कर पाएगा माइक आपका। चलिए, अब मैं सोल्डिंग कर देता हूँ इनकी। तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अब जैसे इधर में इसके जो इसमें एक ग्रीन और एक गोल्ड कलर का जो तार है, तो ग्रीन वाला मैं इसमें ब्लू में जोड़ता हूँ, तो इसको मैं यहाँ सोल्ड कर देता हूँ। अगर आपके पास में ये सोल्डिंग वायर नहीं है तो आप वैसे ही इसको हाथ से ही इसको बस थोड़ा सा कर सकते हैं, और उस पर टेप लगा दीजिए। मेरे पास में ये वायर सोल्डिंग है, तो फिर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इसका।
तो चलिए मैंने इसको इधर जोड़ दिया है। अब मैं इसकी दूसरी वायर को गोल्ड कलर में ही जोड़ देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने इधर जोड़ दिया है, इसमें गोल्ड गोल्ड में, और जो ग्रीन वाली थी वो इधर ब्लू में जोड़ दिया है। तो मैं सेम इसका जो दूसरा हिस्सा जो कटा हुआ है इसमें भी मैं जोड़ूंगा, तो मैं मुझे वही जोड़ना है जो उसका ब्लू वाला है, वो मुझे जोड़ना है ग्रीन में। तो इसका जो ब्लू है मुझे जोड़ना है इसके ग्रीन में। तो चलिए मैंने वायर इसमें जोड़ दी है। और दोस्तों अब जो ये इस तरह की से खुला रह गया है, तो आप इसको एक तार इस साइड में कर दीजिए और एक इस साइड में करके इस तरीके से, और इसको इस तरीके के टेप से बंद कर सकते हैं। दोनों साइडों में आप टेप लगा दीजिए तो ये यहाँ से बंद हो जाएगी और ये सिक्योर हो जाएगी फिर यहाँ से। अब मैं इसको माइक को कनेक्ट करके देखता हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। उससे पहले मैं इसको थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ। तो ये माइक तो बन गया है, इसकी मैंने वायर एक्सटेंड कर दी है, तो अब इसको चेक करके देखते हैं कि ये वर्क करेगी या नहीं करेगी। ये मैं इसमें मोबाइल में से कनेक्ट करके फिर इसकी वॉइस रिकॉर्ड करके देखता हूँ। एक्सटर्नल माइक मैंने इसमें सिलेक्ट कर दिया है, मैं रिकॉर्डिंग करके इसमें देखता हूँ। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो। तो मैंने ये इसमें वायर कनेक्ट करके अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए वीडियो देखता हूँ मैं। तो दोस्तों ये जो माइक है बिल्कुल एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, मैंने इसमें कनेक्ट करके चेक करके इसको देख लिया। तो दोस्तों ये जो माइक था मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है मोबाइल में, और अब आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक के थ्रू ही आवाज़ आपको मिल रही है। तो मैंने बस इसकी ये वायर जो थी एक्सटेंड कर ली, बहुत छोटी वायर आई थी इसकी 1 मीटर से भी कम, तो मैंने इसमें 1 मीटर और वायर जोड़ दी है। तो अब ये वायर इसमें लगकर परफेक्टली ये वर्क कर रहा है माइक, तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अब ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो इसी माइक की आ रही है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है इसकी वायर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, कितनी भी लंबी आप इसकी वायर जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, आप भी इसी तरीके से अपनी माइक की वायर को अगर वो छोटी है तो उसको बड़ा कर सकते हैं आसानी से घर पर ही। और माइक की क्या, अगर आपके ईयरफोन की वायर ख़राब हो गई है या आपके कीबोर्ड की वायर ख़राब हो गई है, किसी भी वायर ख़राब हो गई हो, आप इसी तरीके से उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपको बस इतना ही ख्याल रखना है जो आप जो इसके वायर के अंदर जो छोटी छोटी वायर निकलती हैं जिनका कलर मैच करके ही हमें लगाना होता है, बस आप कलर मैचिंग का ध्यान रखिए और ये डिवाइस परफेक्टली वर्क करती हैं आफ्टर रिपेयर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव हैं या आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सुझाव दे सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।